चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन उपखंड मुख्यालय के पास स्थित ग्राम पंचायत में नाली निर्माण को लेकर ठेकेदार पर युवक द्वारा किए गए हमले के बाद कस्बे में माहौल तनावपूर्ण हो गया है। आक्रोशित लोगों ने दुकानों में आग लगा दी, वहीं पुलिस का भारी जाब्ता तैनात किया गया है। जानकारी के अनुसार सिंहपुर गाँव के बाहरी बस्ती क्षेत्र में स्कूल के पास नल का निर्माण कार्य राजेश आचार्य नामक ठेकेदार द्वारा किया जा रहा था। इसी दौरान आरिफ नाम के युवक ने नाली का पानी रोक दिया, जिसे लेकर ठेकेदार राजेश आचार्य उसे समझाने गया तो आरिफ ने उस पर हमला कर दिया, जिससे राजेश घायल हो गया। उसे उपचार के लिए श्री सांवरिया जी राजकीय चिकित्सालय रेफर किया गया है, जहाँ उसका उपचार किया जा रहा है। किसी भी क्षेत्र के लोगों को जानकारी मिलने पर क्षेत्र में आक्रोश फैल गया है और आक्रोशित लोगों ने वहां दो दुकानों में आग लगा दी, साथ ही दो लोडिंग टेम्पो भी जला दिए। सूचना मिलने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बुगलाल, पुलिस उपाधीक्षक बुधराज टांक मौके पर पहुंचे और भीड़ को काबू किया। फिलहाल इस मामले में पुलिस की ओर से अधिकृत सामने नहीं आया है, लेकिन मौके पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और पुलिस बल तैनात किए गए हैं। राजेश आचार्य, राजेश जी, क्या घटना हुई है? सर, एक नाली का पंचायत का नाली बनाई थी अपन ने, उसका सर पानी उन्होंने रोक करके रखा था, पानी आगे निकलने नहीं दे रहे थे। हम उसको खुलाने गए, समझाने गए तो उन्होंने फिर क्या घटना हुई? बस वो सर जितने मैं वहाँ बेहोश होकर गिर गया था सर, उसके बाद मेरे को।